The seminar hall of the RG Card Medical College and Hospital where a trainee doctor was raped and murdered. The video is from the morning. फंस गया प्रिंसिपल संदीप घोष. सेमिनार हॉल का ऐसा वीडियो हो गया लीक जिसने खोल दिए हॉस्पिटल के सारे काले राज. ममता बनर्जी की सरकार भी आई खतरे में. क्या है इस वीडियो की असली सच्चाई? संजय रॉय ने भी गलती से कर दिया काफी बड़ा खुलासा. ऐसा क्या कहा संजय रॉय ने जिसकी वजह से सीबीआई भी उलझ गई? क्या संजय रॉय को दी जाएगी फांसी की सजा? दोस्तों आप इस वीडियो का भले ही कोई भी पार्ट स्किप क्यों ना कर दे लेकिन आगे जो हम सजा वाली बात बताने वाले हैं उस वाले पार्ट को आप जरा भी स्किप मत करिएगा और उस पार्ट को जरूर देखिएगा क्योंकि आगे हमने एक ऐसी सजा के बारे में बात की है जो अगर हमारे में लागू कर दी जाए तो ऐसे अपराधियों की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे सके. और कई सारे देशों में तो वो सजा ऑलरेडी दी भी जाती है तो भला कौन सी है वो सजा? और भला इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है जिसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सारी काली सच्चाइयां दुनिया के सामने ला दी है? जानेंगे इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में. सबसे पहले बात करते हैं संजय रॉय की जो अभी के समय इतनी चालाकी से अपने बयान बदल रहा है जिसकी वजह से ये केस पूरा का पूरा उलझता ही जा रहा है. आपको बता दें कि कोर्ट में जाते ही संजय रॉय जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और ऐसा कहने लगा कि ये और रेप उसने किया ही नहीं है. संजय रॉय ने ऐसा कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाने की कोशिश करी जा रही है. इसके बाद जब संजय रॉय को अगले दिन पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई लेकर गई, जिसके बाद सीबीआई ने 3.5 घंटे तक संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था लेकिन बाद में संजय रॉय ने अपना बयान पूरे तरीके से पलट दिया क्योंकि संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने ये कहा कि रेप के बाद उसने डॉक्टर की हत्या कर दी क्योंकि वो काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी, इसीलिए डॉक्टर को शांत करने के लिए संजय रॉय ने उसका जोर से गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक डॉक्टर ने दम नहीं तोड़ दिया. आपको बता दें कि संजय रॉय बॉक्सिंग का काफी अच्छा खिलाड़ी रह चुका है, इसीलिए वो लेडी डॉक्टर अपने आप को संजय रॉय से बचा नहीं पाई. के बाद संजय रॉय को पकड़े जाने का डर सता रहा था जिसकी वजह से उसने अपने हाथों से पूरी ताकत से पीड़िता का गला दबा दिया. इसी के साथ साथ दूसरी खबर ये भी है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने झूठ को भी सच बना दिया क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को संजय रॉय ने बुरे तरीके से घुमा दिया क्योंकि दूसरे बयान में उसने ये बोला कि जब वो अस्पताल में पहुंचा तो उस समय डॉक्टर की मौत हो चुकी थी और डॉक्टर को मरा हुआ देखकर वो काफी ज्यादा डर गया जिसकी वजह से वो अस्पताल से वहां से भाग गया. और ऐसे ही दो तरफा बयानों से संजय रॉय ने ना सिर्फ सीबीआई को उलझा दिया बल्कि उस पॉलीग्राफ मशीन को भी संजय रॉय ने गुमराह कर दिया जिसका रीजन ये बताया जा रहा है कि जब संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा था तो उस समय उसका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से सच और झूठ का सही से पता नहीं लग पाया. और आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट के जो नतीजे होते हैं वो अदालत में सबूत के तौर पर माने भी नहीं जाते. पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सिर्फ जांच एजेंसियों को केस सुलझाने में मदद मिलती है, इसीलिए अब जब इस केस को 20 दिन हो चुके हैं उसके बावजूद भी कोलकाता का ये केस सुलझने का नाम नहीं ले रहा जिसका रीजन ये है कि सबूतों को मिटाने में कोलकाता पुलिस और कॉलेज के बड़े बड़े लोगों का काफी बड़ा हाथ है क्योंकि क्राइम सीन में जो पैरों के निशान और फिंगरप्रिंट्स थे उन्हें भी सुरक्षित नहीं रखा गया. और अब तो एक ऐसा वीडियो भी सामने आ गया है जिसकी वजह से देश के लोगों का शक अब यकीन में बदल गया है कि कोलकाता पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी है. दरअसल दोस्तों अभी के समय जो आप वीडियो देख रहे हो ये 40 सेकंड का वीडियो अभी के समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि ये वीडियो उसी सेमिनार हॉल का है और ये वीडियो घटना से कुछ समय बाद ही शूट किया गया था. और इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि किस तरीके से कई सारे लोगों की भीड़ उस घटना स्थल पर खड़ी है और उनके माथे से पसीने छूट रहे हैं. दरअसल लेडी डॉक्टर का शव मिलने के बाद उस घटना स्थल पर तुरंत कई सारे लोगों की भीड़ इस वीडियो में जमा होते हुए दिखाई दे रही है. और इस वीडियो में आपको कई सारे बड़े बड़े चेहरे दिखाई दे सकते हैं, फिर चाहे वो पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हो, उनके वकील शांतनु देव, कोलकाता की पुलिस हो, हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मचारियों, फोरेंसिक मेडिसिन के एक प्रदर्शनकारी देवाशीष सोम हो. आपको बता दें कि देवाशीष सोम प्रिंसिपल संदीप घोष के काफी ज्यादा करीबी है. और इसी के साथ साथ इस वीडियो में डेटा एंट्री अधिकारी प्रसून चट्टोपाध्याय भी दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के तुरंत बाद का है और इसीलिए अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि घटना के तुरंत बाद सेमिनार हॉल में इतने सारे लोगों की भीड़ वो भी पुलिस के साथ जमा होकर भला क्या कर रही है. और इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि पुलिस के साथ मिलकर तमाम लोगों ने घटना के बाद सारे सबूत मिटा दिए. और ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं इसीलिए तो लड़की के माता पिता को 3 घंटे तक इंतजार नहीं कराया गया और उनकी मुलाकात प्रिंसिपल के साथ भी कराई नहीं गई. इसीलिए दोस्तों इस वीडियो के लीक होने के बाद से ही प्रिंसिपल से लेकर पुलिस तक सबके सब काफी बुरे तरीके से शक के घेरे में आ गए हैं. हालांकि जब ये वीडियो लीक हुआ और सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा तो कोलकाता पुलिस ने ये सफाई दी और उन्होंने कहा कि कई सारे लोग सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है क्योंकि कुछ लोग सेमिनार हॉल के अंदर खड़े हैं. लोग दावा कर रहे हैं कि घटना स्थल की घेराबंदी नहीं की गई, हालांकि ऐसा नहीं है बल्कि सच तो ये है कि सेमिनार हॉल के जिस हिस्से में शव मिला उसे तुरंत पर्दे से सील कर दिया गया था और पीड़िता परिवार के अलावा किसी को भी उस स्थान से 40 फीट दूर जाने की अनुमति नहीं थी जहां पे लड़की का शव मिला था. लेकिन अगर सच में
में ऐसा है तो सवाल ये है कि भला लड़की के माता पिता को 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया गया। अगर घटना के बाद इतने सारे लोगों की भीड़ सेमिनार हॉल में दिखाई दे सकती है तो भला लड़की के माता पिता को उस लड़की का शव दिखाने के लिए 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया गया और भला लड़की के माता पिता की मुलाकात प्रिंसिपल से क्यों नहीं कराई गई। इसीलिए दोस्तों जब से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से लोगों के मन में जो सबूतों को मिटाने का शक था वो यकीन में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी के समय ये मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है। आपको बता दें कि अभी के समय पश्चिम बंगाल में न बनना नाम का एक आंदोलन चल रहा है जिसमें जो तमाम स्टूडेंट्स है वो न बनना मार्च को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं की सुरक्षा है और लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाना है। चाहे बड़े हो या फिर स्कूल की बच्चियां लोग सड़कों पे आकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं और लोगों की आंदोलन में ये मांग है कि लेडी डॉक्टर के जो असली कातिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको बता दें कि सऊदी अरब में जो ऐसे अपराधी होते हैं उनका गला तलवार से काट दिया जाता है। चाइना में ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दी जाती है साथ ही साथ करंट के झटके देकर भी मारा जाता है। इराक में ऐसे अपराधियों को लोगों की भीड़ के सामने पत्थरों से मारकर मौत की सजा दी जाती है। तानाशाह के देश उत्तर कोरिया में बलात्कारियों के सिर पर मारी जाती है गोली। लेकिन वही बात अगर हम अपने देश की करें तो हमारे देश में ऐसे दुष्कर्म की जो सजा है वो धारा 376 के तहत का दोषी पाए जाने पर मात्र 10 साल की सजा है जो कि सच में बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। और अगर लड़की माइनर है और उसके साथ कोई दोषी दुष्कर्म करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि सजा को उम्र कैद या फांसी तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब जो सजा हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दरअसल वो सजा है कास्ट्रेशन। दोस्तों देखा जाए तो कास्ट्रेशन ठीक उसी तरीके की प्रक्रिया है जिसमें एक सांड को एक बैल में तब्दील कर दिया जाता है। इस बात से आप हमारा इशारा समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों अगर सीधे शब्दों में आपको बताएं तो कास्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मर्द को ना मर्द बना दिया जाता है। दोस्तों साउथ कोरिया, चाइना, यूक्रेन, नाइजीरिया और मडगास्कर जैसे ये तमाम देश है जहाँ पे ऐसे अपराधियों को सजा देने के लिए कास्ट्रेशन का यूज किया जाता है और ये सजा इसीलिए दी जाती है ताकि वो अपराधी आगे किसी भी लड़की के साथ कुछ भी ना कर सके। हालांकि गौर करने वाली बात ये भी है कि उन देशों में भी कुछ ही केसेस में ये सजा अपराधी को दी जाती है और ज्यादातर उन्हीं केसेस में ये सजा दी जाती है जिनमें विक्टिम एक छोटी बच्ची होती है। ऐसे केसेस में अपराधियों का कास्ट्रेशन करके उन्हें इस लायक बना दिया जाता है कि वो आगे किसी भी लड़की के साथ कुछ भी ना कर सके। वैसे दोस्तों आपका इस सजा के बारे में क्या कहना है? क्या इस सजा का प्रावधान भारत में भी आना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर दें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।